आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना इंद्र का गर्वहरण, द्वादश प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग से जो व्याख्याएं पहले पढ़ी है उसी के क्रम में हम आगे की व्याख्या पर विचार करते हैं। सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकट से करती अति प्रीति थी। वसुमती अनुराग स्वरूपिणी विलसती बहुवीर बहुटिया। परम प्लान हुई बहुवेली को निरख के फलिता अति पुष्पिता। सकल के उर में रम सी गई सुखद शासन की उपकारिता। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग में उद्धव श्री कृष्ण के उद्धव को ब्रज भेजने पर गोपियाँ किस तरह से अपनी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो मधुर स्मृतियाँ हैं उन मधुर स्मृतियों को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और उसमें वो कह रहे हैं इस पद में कि अपनी मधुर स्मृतियों को बताते हुए कि वर्षा ऋतु में किस तरह से जो उस समय सरसता का वर्णन बता रहे हैं वर्षा ऋतु की, कि सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकट सी करती अति प्रीति थी। गोप कह रहे हैं कि सुखदाई वर्षा ऋतु के प्रति ब्रजवासी और जो अन्य प्राणी हैं उन सब में किस तरह से अति प्रीति का अत्यधिक प्रेम का भाव है वो उनमें प्रकट हो रहा था। और जो वीर वधुएं हैं, वीर बहुटियां किस तरह से प्रेम में और धरती के जो वर्षा से जो प्रसन्नता का संचार हो रहा था उसमें उनके भीतर किस तरह से अनुराग से वो सुशोभित हो रही थी। आगे वो कह रहे हैं कि किस तरह से वर्षा ऋतु से पहले जो लताएं एकदम कुमला गई थी, सूख गई थी, और वो वर्षा होने से हर तरफ हरी भरी हो गई हैं, फल फूल से लद गई हैं, और उनके फलित और पुष्पित होने से सबके हृदय में एक आनंद सुख का भाव है वो उत्पन्न हो गया है। और जो प्रकृति का इस तरह सुखदाई और जो सुशासन देखकर उनके भीतर एक उपकार का भाव, कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो गया है। तो इस तरह इस पद में प्रकृति का सहजता का अलंकृत रूप यहाँ चित्रित हुआ है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद हम देखेंगे, विविध आकृति और फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियाँ, प्रकट थी महिमंडल में हुई प्रियकारी प्रतिपत्ति पयोद की। रसमयी भव वस्तु विलोक के रस सरसता लख भूतल व्यापनी। समझ है पड़ता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ। अब इस पद में वो कह रहे हैं गोप कि श्री कृष्ण की वही मधुर स्मृतियों का चित्रण करते हुए कि वर्षा ऋतु में जो जल का वर्षण हुआ, जल वर्षा हुई, उससे कई तरह के फल फूल, विविध प्रकार के फल फूल हैं वो डालियों में बेलों में लद गए। और उपजती अवलोक सुबूटियाँ, हर तरफ अवलोक दिख रही हैं सुबूटियाँ, औषधियाँ, सुबूटी मतलब औषधियाँ दिख रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि धरती पर वर्षा ऋतु के आगमन से सबके भीतर एक प्रिय और मनभावन भाव उत्पन्न हो गया है और उसी से उनमें सब तरफ प्रसन्नता का भाव हो रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि इस वर्षा ऋतु में संसार की प्रत्येक वस्तु है वो रसमयी हो गई है और सारी धरा है वो रस से व्याप्त, सरसता से व्याप्त हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि जो वर्षा का जल है वो उदक मतलब जल जो है वो रस का नाम यथार्थ रूप में हो यथार्थ कर रहा है, सार्थक कर रहा है। यानी चारों तरफ जल ही जल होने से सब तरफ सरसता हो गई है। जैसा कि कहा जाता है कि मेघों को धनरस कहा जाता है, तो ये रस जल का पर्याय के रूप में यहाँ चित्रित हुआ है। अनुप्रास और यमक श्लेष उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है और द्रुत विलंबित छंद का यहाँ गति और यति का उचित चित्रण हुआ है। आगे के पद में हम देखें कि मृतक प्राय हुई तृण राजी भी सलिल से फिर जीवित हो गई। फिर सुजीवन जीवन को मिला वधुन जीवन क्यों उसको कहें। ब्रज धरा
एक बार इन्हीं दिनों पतित थी दुख वारधी में हुई, पर उसे अवलंबन था मिला ब्रज विभूषण के भुजपोत का। दिवस एक प्रभंजन का हुआ अति प्रकोप घटानभ में घिरी, बहु भयावह गाढ़ मसी समा सकल लोक प्रकंपित कारणी। तो इस पद में हम देख रहे हैं कि गोप कह रहे हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को नष्ट किया। उसका स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु से पहले जो घास तिनके सूख कर मर से गए थे, मृतक प्राय हुई तृणराजी, जो घास तृण है वो है, वो मर गए थे, सलिल से फिर बारिश से फिर वो जीवित हुए। और इस तरह वर्षा का जल सभी वनस्पतियों और प्राणियों में एक सुखकारी जीवन के रूप में प्रकट हुआ। बुध ने जीवन क्यों उसको कहे, तो इस तरह हम इस विद्वान जल को जीवन ही क्यों न कहें, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। यानी जल को जीवन ही कहना सर्वथा उपयुक्त होगा। आगे वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु के दिनों में एक बार ब्रज की धरती दुख रूपी समुद्र में डूबी हुई थी, दुख वारदी दुख रूपी समुद्र में डूबी हुई थी, पर उसे अवलंबन न था मिला, उसको कोई भी उद्धार करने वाला नहीं मिल रहा था। और उस समय उसका उद्धार करने के लिए ब्रज के विभूषण श्री कृष्ण अपनी भुजा रूपी जहाज का सहारा उन्होंने दिया। और इस तरह से तब एक दिन आंधी का प्रकोप बढ़ा और उसे बादलों की घनघोर घटाएं आकाश में छा गई, और ये घटाएं इतनी भयंकर रूप में थी और ऐसी काली और इस तरह से लग रही थी कि सारे आकाश में वो एक गाढ़ी स्याही जैसे वो गाढ़ मसी समा, मसी मतलब स्याही, तो गाढ़ी स्याही के समान बहु मतलब बहुत भयावह रूप में सब तरफ समाई हुई थी, सब तरफ फैली हुई थी। और ये जो रूप था जो प्रकोप वाला जो घटा का नभ का जो रूप था वो सकल लोक प्रकंपित कारणी, सारे लोक में सारे संसार को सभी लोगों को वो भयभीत करने वाला था, कपाने वाला था। तो इस तरह से इस पद में ब्रज में जो इंद्र के प्रकोप रूप में जो अतिवृष्टि का वर्णन यहाँ किया गया है, और देखें कि हम अनुप्रास उपमा और उत्प्रेक्षा का रूपक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे के पद में हम देखें कि अशनि पात विमान दिगंत में तब महारव था बहुव्याप्ता, कर विदारण वायु प्रवाह का दमकती नभ में जब दामिनी, मथित चालित ताड़ित हो महा अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, जलद थे जल के दल आ रहे घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते। तो इस पद में हम देखते हैं कि जो इंद्र द्वारा जो प्रकोप कर ब्रज प्रदेश में जो मूसलधार वर्षा कराने का जो निर्णय है, उससे जो उनकी स्थिति ब्रजवासियों की जो मन की स्थिति हो रही है उसी का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि उस समय सभी जो दिशाएं हैं वो व्रजपात के समान भयानक लग रही थी, और बादलों की गड़गड़ाहट भी अत्यधिक भारी और भय उत्पन्न करने वाली थी, और चारों तरफ उसका जो भय का वो स्वर है वो गूंज रहा था। आकाश में जब बिजली चमक रही थी तो वह वायु के प्रभाव को भी फाड़ रही थी, यानी सब तरफ मेघ, आकाश में जो काले काले मेघ छाए हुए थे वो अतीव भयानक बना रहे थे। और उस समय जो अत्यधिक आंधी चल रही थी, प्रचंड आंधी जो चल रही थी, उसके वेग से बादल भी आपस में घुमड़ घुमड़ के टकरा रहे थे, और उस टकराहट से क्या बिजली की जो कड़क और घनघोर गर्जना पैदा हो रही थी, और वो बादलों के झुंड लगातार उमड़ते घुमड़ते हुए आ रहे थे, और ब्रज के प्रदेश में वो किस तरह से काले बादल उमड़ते हुए घिर रहे थे, सारे ब्रज को घेर रहे थे। तो इसमें आंधी और तूफान की जो गर्जना की और घनघोरता की और उसके प्रचंड रूप की जो है यहाँ चित्रण किया गया है अनुप्रास उपमा और स्वभावोक्ति अलंकारों के माध्यम से, और द्रुत विलंबित छंद के माध्यम से वर्णन हुआ है। आगे का देखिए, तरल तयोधि तुंग तरंग से निविड़ नीरद थे घिर घूमते,
प्रबल हो जिनकी बढ़ती रही असितता घनता रवकारिता। उपजती उस काल प्रतीति थी प्रलय के घन आब्रज में घिरे गगन मंडल में अथवा जमे सजल कंजल के गिरी कोटिश। तो इस पद में वही हम देख रहे हैं कि ब्रज प्रदेश में जो अतिवृष्टि की स्थिति का वर्णन यहाँ कर रहे हैं और गोप अपनी स्मृति में इस चीज़ को लाते हुए कह रहे हैं कि किस तरह तरल तयोदी तुंग तरंग से जो चंचल लहरें हैं वो पूरे वेग से ऊपर उठते हुए समंदर के समान घनघोर बादलों के झुंड जो आकाश में घिर रहे थे वे अत्यधिक काले घने गड़गड़ाने वाले और उनकी घटाएं हैं वो बढ़ती जा रही थी। असितता घनता रवकारिता और वो बढ़ती हुई ऐसा लग रही थी कि आकाश में भयानक बादलों का रूप ले रही है और रण के लिए किस तरह से तैयार हो रही हैं गड़गड़ाती हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रज प्रदेश में प्रलय काल के बादल ही घिर आए हों और ऐसा लग रहा था कि आकाश में जो जल से भरे हुए बादल हैं वो काजल के करोड़ों पर्वत आकर वहाँ जम गए हों। और इस तरह से कज्जल मतलब काजल के कोटिश करोड़ों गिरी बादल है जल के भरे हुए हैं वो आकर यहाँ रम गए हैं। तो इसमें प्रलय के बाद बादल जो है वो बताया है कि किस तरह धरती पर विनाश करते हैं और ब्रज प्रदेश में घिरे हुए बादल भी किस तरह से विनाशकारी लग गए हैं। तो यहाँ बादलों की किस तरह से व्यापकता विशालता और बादलों के भयानकता का यहाँ वर्णन किया है और अनुप्रास उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो जो हमने पंक्ति पढ़ी है ये कि तरल तयोधी तुंग तरंग से निविड़ नीरद थे फिर घूमते, तो ये बादलों का भयानकता का वर्णन किया है कि उनकी जो उछाल है वो किस तरह से घनघोर है, तरंग है वो आसमान को छूती हुई लग रही है कि बादलों समुद्र के समान जैसे समुद्र में लहरें हैं वो किस तरह उछाले मारती हैं। तो उसके उपमा करते हुए कह रहे हैं कि किस तरह घनघोर बादलों के झुंड है वो आकाश में ऐसे उछाले मार रहे हैं घिर रहे हैं और वो इतने काले और घड़घड़ाने वाले हैं कि वो जो है वो सब तरफ बेचैन से होकर एक आवारा की तरह इधर से उधर बिखर रहे हैं और कब कहाँ वो बरस पड़े, उनका जो विकराल रूप है वो भयानक रूप है वो इसमें वर्णित हुआ है। और इसमें द्रुत विलंबित छंद की जो है वो हम अन्य पदों में भी